हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, हमारा जो थोड़ा बात है तो हम बताएंगे, पर उसके लिए थोड़ी संचय भरी हुई है, आप सभी को दिखाती हूँ। तो ये पंचायत भरी हुई है फ्रेंड, वो हम बोलेंगे, आपको बोल कर दिखाएंगे। तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड। नमस्कार फैमिली, पूजा जी ने कुछ थोड़ा बताया है, इनके ऊपर से हम बताना चाहते हैं। हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि हमारा घर का थोड़ा मैटर चल रहा है, वो सोल्व हो जाएगा, तो हो गया है। वो क्या है, हमारा राकेश भाई जो है, जो गुम हो गया, उसकी वाइफ, उनको है ना, गुम होते ही गांव वालों ने मिलकर, मानो दूसरे बाहर का जो आदमी था, हमारे समाज का ही था, हमारे गांव का नहीं था, उनसे उनका मानो शादी करने का डिसाइड करवा दिया था और उनसे शादी भी करके रखा है। पर बात यह है कि मानो है ना, ऑपरेशन करके रखा है। यह हमारे जो गुम हो गया भाई, उसकी औरत ने ऑपरेशन करके रखा है और उनको कोई बच्चा बच्चा नहीं है। तो वो अभी हमारे घर की औरत जो है, वो यह चाह रही है कि मेरे दो लड़के हैं यहाँ पर, मेरे को तो बच्चे वगैरह नहीं होते हैं, तो मैं अलग क्यों रहूँ, मेरा पति भी मेरे साथ में रहना चाहता है, ऐसे वो बोलती है। तो वो उनका पति को लेकर यहाँ रहना चाहती है। तो इस बात को लेकर है ना, घर वाले को कुछ लोगों को अच्छा लग रहा था यह बात, और कुछ लोगों को यह बात अच्छा नहीं लग रहा था, इसी के ऊपर से हमारा मैटर चल रहा था। तो अभी है ना, वही हमारा पंचायत हो रहा था, तो वहाँ पर यह हुआ है डिसाइड कि हमारी औरत जो है, तो हमारी औरत हमारे घर में आ रही है, तो अभी इस औरत पर किसी की बुरी नज़र ना हो, इस कारण से एक वो बंदोबस्त करके रखा है, बंदोबस्त किया है कि अभी अगर किसी ने बुरी नज़र से इस औरत को देखा, बाहर के लोगों ने कुछ इससे संबंध लगाने का चाहा, तो इनके ऊपर घर में तीन खून है, मानो बड़ा भाई कोरोना में गया हो और उनका हस्बैंड मिस हो गया है वो, और मेरे पापा। तो यह सारा मैटर जो हुआ है, बस इसी की वजह से हुआ है, इस कारण से यह तीनों खून है ना, उसी के ऊपर लगेंगे जो इस औरत के पीछे लगेगा। तो यह पक्का किया है, तो अभी है ना, यह तो सोल हो गया है, पर उनके साथ साथ घर का जमीन जो है, मेरे दादाजी के दो लड़के, मेरा पिताजी और मेरे पिताजी का भाई, तो उन दोनों लड़कों का है ना, जो भी मेरे दादाजी के हिस्से में ज़मीन है, उनमें से गांव में दो भाग बनाना है, और दो भाग में उनके वो देखेंगे, और मेरे पिताजी के जो लड़के हैं, मेरे पिताजी के भाग में जो ज़मीन आता है, उनमें मेरे पिताजी के जो पास भाई है लड़के, मेरे पापा के जो पास लड़के हैं, हम पास भाई, इनको वो हिस्सा होगा। तो यह डिसाइड किया है, तो अभी जो ज़मीन है हमारा, यहाँ से उस साइड में सीधा लेकर, तो इधर से इस साइड में, तो ये सारा ज़मीन का कैलकुलेशन होगा, और इनमें से दो भाग बनाएंगे, जो दो भाग में उन लोगों का वो देखेंगे, हमारे लोगों का हम देखेंगे, कैसे किनको कहाँ रखना है, ये पक्का किया है। तो अभी वो लोग ये पक्का करके निकल गए हैं, बोला हम शाम को मिलकर आते हैं, अभी उनको थोड़ा काम दूसरा निपटना है, इसलिए वो दूसरी साइड में चले गए हैं वो लोग। तो यह अभी पक्का हो गया है, वो लोग जब आएंगे तब हमारी जो ज़मीन है पूरी मेरे दादाजी के हक में, उनका दो भाग बना कर देगी अभी। तो ये मैटर बहुत दिनों से चला आ रहा था, तो आज ये सोल्व हुआ है, और हमारे घर की औरत है, वो भी आ रही है, तो घर में सबको मानो मान्यता हो गई है कि आना ही होगा उनको, और उनको रखना ही होगा। जो बच्चे हैं छोटे छोटे, ये लड़का देखिए, ये लड़का है और ये कहीं खेलने के लिए निकल गया है, तो इन दोनों बच्चों के लिए आ रही है वो औरत, तो अच्छा बात है करके सबको अच्छा लग रहा है अभी।
जिनको स्वीकार नहीं हो रहा था ये बात कि ये औरत की वजह से इतना कुछ हुआ है, हम इसको नहीं रखने वाले हैं, तो उनको है ना जो सारे लोग थे उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके उनका बात को सारा डिलीट कर दिया है और उसको भी मानने को लगा दिया है कि वो भी अभी स्वीकार कर गया है कि ठीक है चलेगा, तो ऐसा हो गया है। तो यही मैटर्स सुबह से हमारा चल रहा था, इस कारण से हम सुबह में हम वीडियो नहीं स्टार्ट कर पाए फ्रेंड, हमने आपको पहले भी बताया था। तो अभी पूजा जी कुछ निपट रही है और हाँ लखानी का है ना और हमारा हो तो गया है, पर उनका जो पहला हस्बैंड है पहला पति जो है उनका आधार कार्ड में नाम है लखानी का, तो हमको है ना विवाह नोंदनी फॉर्म लेकर रखा है, उस पर हम वो उस फॉर्म में हम वो फॉर्म भर के चेंज करके लखानी दिनेश पवार ये करने वाले हैं, ग्राम सेवक यहाँ आया है बोले, तो उसके लिए हमको छोटा छोटा काफ़ी लग रहा है, वो लेकर बुलाया है लखानी ने, अभी लखानी निकल कर गई है तो मैं वो काफ़ी लेकर उधर जा रहा हूँ फ्रेंड्स, तब तक पूजा जी यहाँ क्या करेगी वो करेगी। लावनी काफी हिना कंदी काने दर, तो फ्रेंड्स वो काफ़ी लेकर निकल गई है बोले, और मैं उधर जाने वाला हूँ अभी, और मम्मी जी कॉल करने के लिए बोल रही है, जो पिताजी का डेट हुआ है उनका सरकार की ओर से कुछ स्कीम करने वाले हैं बोले, वो बात मम्मी बोल रही है, तो उनका भी काम बहुत दिनों से वो भी काम पड़ा है, तो वो भी हमको सोल्व करना है आज, तो देखते हैं आगे। मैं तो उधर जा रहा हूँ और मम्मी को उस आदमी से बात करवा देता हूँ और निकल जाता हूँ। तो फैमिली फ्रेंड्स दोस्तों, अभी मैंने कॉल लगाया था उस आदमी को जो यह स्कीम बनाकर देने वाला है, उनको कॉल किया पर उसे उन्होंने उठाया नहीं है, तो मेरा इस ओर जाने का ज़रूरी है, मैं उधर जाऊँगा और वो सामने अगर मिला और सामने उधर से टाइम मिला हमें तो उनके पास में जाकर वो बात मैं उनको कर लूँगा कि मम्मी ऐसा बोल रही है, तो उनका वो बात हो जाएगा। तो मेरा यह ज़रूरी है विवाह नोंदनी का जो फॉर्म भर के रखा है उसको सोल्व करें हम और लखानी दिनेश पवार नाम सेट करें, तो मैं इसी काम के लिए अब जाने वाला हूँ। तो यह अभी पूजा जी यहाँ क्या कर रही है वो उनके हिसाब से वो करती रहेगी। अले अरे शिवम दत्त, तो चलो दोस्तों फ्रेंड्स मैं निकलता हूँ आगे। फ्रेंड मैं ये मतलब ये मैं सा रही थी, लिप रही थी, तो इतने में ये आदमी आया और बोलने लगा, चलो बोले तुम्हारी कुछ पंचायत है, तो ये मैंने ऐसे ही रख कर मैं चली गई थी कि दिनेश जी को पूछ रहा बोले, तो हम गए थे, तो कोई ऐसा बात नहीं है, जो हुआ है वो हमारा भी विचार वैसा ही था वैसा ही हुआ है, और उसके भी मन में जो था वो भड़ास भी निकल गई है, तो अच्छा हुआ। अभी शाम को आएगी कल आएंगे लोग, और फिर हमारा जो ससुर जी है और उसका भाई उसका दो हिस्सा बनाएगा, तो हम दिखाएंगे फ्रेंड आप दोस्तों को भी इतनी कितनी जमीन आई है दो हिस्से में, वो हम बताएंगे और दिखाएंगे भी। फ्रेंड्स वो लखानी रिटर्न आई है, उनका कुछ मीटिंग चल रहा है बोले, थोड़ा आधे घंटे में बुलाया है, तो यहाँ मैं आ गया हूँ, थोड़ा बाद में जाएगा। लखानी रिटर्न आ गई है, वो बोल रही है कि आधे घंटे में बुलाया, उनका कुछ पर्सनल सबका मीटिंग चल रहा है, उसके बाद में काम होगा बोले, ऐसा बोल रहे हैं। फ्रेंड अभी ये लिप लिया है घर, अभी ये बाकी है किचन, तो अभी तक हम तो नहाए भी नहीं है और खाना भी नहीं बनाया है अभी तक, क्योंकि अभी मैं काम से काम ख़त्म हुआ है और फ्री हुई हूँ, तो फ्रेंड अभी नहा लेती हूँ फिर खाना बनाऊंगी।
आज बहुत लेट हो गए हैं फ्रेंड्स, इस मीटर की वजह से मानो घर में काम करने के लिए टाइम ही नहीं मिला। तो आज पूजा जी खाना बनाने में लेट हो रही है, फिर भी उन्होंने जो करना था वो घर को गोबर से लेप दिया है और अभी तैयार हो रही है खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमें बहुत समय हो गया है, अभी मैं जा रहा हूँ उधर लखानी, उधर उनकी दीदी के घर गई है, उधर से आएगी अभी और निकल जाएगी हम। काम करा लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं लखानी को ढूंढने गया था, देखिए आ गई है, मैं इनके साथ में जा रहा हूँ और ये मोबाइल भी लेकर जाना है क्योंकि इसमें जो इनका पुराना आधार कार्ड है वो उनके ससुराल में, वहाँ से हमने मंगाया था आधार कार्ड, तो व्हाट्सएप में पड़ा हुआ है और वो वहाँ पर लेकर जाकर दिखाना है उसे। तो इस कारण से हमको यह वीडियो यहीं पर रखना है और यहाँ से निकलना है हमें उसके लिए। तो नमस्कार है फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत रहा, आप हमारे चैनल में आए आज और आपने हमारा वीडियो पूरा देखा तो हमें बहुत खुशी है। आपका विचार हमें कमेंट्स में बताइएगा। यह मैटर आज हमारा सोल्व हुआ है तो हमें बहुत अच्छा लगा है। तो चलो हम आगे मिलते हैं, आगे और क्या होता है हम आपको हर रोज़ ज़रूर दिखाते रहेंगे। बस आप सभी का प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे, हम यही चाहते हैं फ्रेंड्स। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय खंडेश।